रालोसपा आज विधिवत घोषणा कर दिए कि हम अब महागठबंधन में नहीं है, वो बसपा के साथ जा रहे हैं। इस पर हम कोई कमेंट करने की स्थिति में कि क्या राजद आपके साथ रहेगा, हम कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। पर राजद की तरफ से 58 सीट आपको ऑफर दिया गया, आप कह रहे हैं ना हम कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं। इस बार भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद रूप से काफी समय लगाकर इस को बनाने जा रही है, जो मेरे मैनिफेस्टो है, और उसमें काफ़ी मुद्दे हैं। आप सबों को जानकारी है कि 15 वर्षों से नीतीश जी की सरकार चल रही है, भाजपा उसकी सहयोगी है। कुछ दिनों के लिए ज़रूर हम लोग उनके साथ आए थे, लेकिन फिर वो अपने पुराने रास्ते पर चले गए। तो जो इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी, और हम समझते हैं कि राज्य बिहार है जहाँ सर्वाधिक बेरोजगार लोग हैं राष्ट्रीय पैमाने पर, और उन लोगों को रोजगार देने की बात हम कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वह मेडिकल हो, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे इंजीनियर्स की बहाली की बात हो, तो काफ़ी संख्या में जो स्वीकृत पद हैं उसको भी हम भर सकते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन बेरोजगार युवकों के लिए जो सड़कों पर डिग्री हासिल करके घूम रहे हैं नहीं कुछ हो पाए। अभी कुछ चिकित्सकों की बहाली जरूर हुई है, लेकिन हर विभाग में ये रिक्तियां पड़ी हुई हैं, और फिर आने वाले समय में हम रोजगार कहाँ से कैसे लाएं, इस दिशा में भी हम लोगों को प्रयास करना होगा। तो ये पहला बिंदु था हम लोगों का। केंद्र, हाँ, फिर कोरोना काल की बात लीजिए। कोरोना काल में जो कुप्रबंधन हुआ, जिस तरह से काफ़ी संख्या में लोग पैदल हो, बस से हो, ट्रक से हो, ठूस ठूस कर आए, अपना पैसा दिया लोगों ने, बिहार सरकार की पहल नहीं हो पाई कि उन लोगों को जो हमारे बिहार के वासी श्रमिक थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में गए थे, उनको सुविधाजनक स्थिति में ला दें, ये नहीं। आपने तो देखा पैदल भी लोग आए, आपने तो देखा एक लड़की, एक अपंग को 1200 किलोमीटर साइकिल से चला कर लाई। तो इस तरह की घटनाएं शर्मनाक घटनाएं हैं, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में हम लोग पहल, ठोस पहल करेंगे। और जिस तरह से इन लोगों को कोरोना काल में स्कूल वगैरह में रखा गया, न वहाँ खाने की व्यवस्था थी, न सैनिटेशन की व्यवस्था थी, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, आज भी वो श्रमिक बहुत गुस्से में हैं। वर्तमान सरकार से जो अपेक्षा थी, इन लोगों की जो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, फिर गाँव के सारे मानक ध्वस्त हो चुके। ये बात ठीक है। राहुल जी ने फरवरी में लोकसभा में कहा था कि कोरोना दस्तक दे चुका है केरल में, और भारत सरकार को शीघ्र इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। न तो भारत सरकार शीघ्र कार्रवाई की और न बिहार सरकार। अब बिहार सरकार में शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कतें थी, जांच नहीं हो पाती थी, और जो सरकारी आंकड़े हैं कि इतने की मृत्यु हुई, उससे कहीं अधिक मृत्यु हुई है, जिसकी जानकारी आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं हो पा रही है। तो इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना। अब देखिए, नमामि गंगे की बात हो रही है, बाढ़ इस बार वर्षे में किस तरह की स्थिति थी पटने की, और अभी मुजफ्फरपुर की देख रहे हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि
जो पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर साफ सुथरा शहर की गिनती में यदि बात की गई तो पटना का सबसे खराब आखिरी अंक में है, नीचे का स्तर। इस स्थिति में बिहार की जनता जी रही है और हम कहते हैं सुशासन की सरकार है और अच्छी सरकार है। तो इन सारी बातों को लेकर अब जैसे 4 करोड़ बच्चे हैं में लाना चाहते हैं और ला रहे हैं, अब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, काम कर रहे हैं लोग आंगनबाड़ी में, महिलाएं काम कर रही हैं, ग्राम रक्षा दल के लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक भी 2 तरह के हैं, उन लोगों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो इस एनोमलीज को कैसे दूर किया जाए और इस दिशा में कांग्रेस की चिंता है और कांग्रेस इस ओर प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पहल करेगी। फिर अभी केंद्र सरकार ने जो किसान के लिए 3 काले कानून पास किए हैं और श्रमिकों के लिए भी, तो आप खुद देख रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है और औने पौने भाव में बेचने की तैयारी किसानों की होगी, किसान के दर्द को कोई सुन नहीं है। बिहार की ही बात लीजिए, MSP पर कितनी खरीदगी होती है, मुश्किल से एक गांव में जहां उपज होता होगा 4,000-5,000 मैट्रिक टन मान लीजिए, तो मुश्किल से 50 और 100 मैट्रिक टन की खरीदगी होती होगी MSP। तो इस MSP के मामले को भी हम लोगों ने गारंटी देने की बात की थी। अब किसानों की बहुत सारी मजबूरियां हैं, अब किसान फसल लगाए, अभी बाढ़ आ गई, एक बार से त्राण मिला, दूसरा डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया, चाहे शिक्षा में सुधार की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्योग धंधे भी लगाए और काफ़ी उद्योग धंधे लगे थे, लेकिन इन 15 वर्षों में जितने उन कार्यकालों में उद्योग लगे थे वो सब बंद हो गए, कुछ बीच के 90 के पहले कुछ चल भी रहे थे वो भी बंद हो गए। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, कहाँ कौन सा सुशासन जहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिले, जहाँ लोगों को साफ सुथरा स्थान नहीं मिले, जहाँ लोगों की अच्छी शिक्षा नहीं हो, जहाँ लोगों की अच्छी चिकित्सा नहीं हो, जहाँ सुरक्षा नहीं हो, जहाँ रोजगार हम नहीं दे सके, जहाँ किसानों के क्या कहते हैं आंसू नहीं पोंछ सके, तो फिर कैसी सरकार। शिक्षा की स्थिति बहुत से बदतर हो गई है। इन सारी बातों को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं और ठीक कहा हमारे माधव जी ने कि हम लोगों ने उसकी तैयारी तो प्रारंभिक तौर पर कर ली है मैनिफेस्टो बनाने की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जनता से जुड़ें। ऐसी बात नहीं है कि हम ही लोग सब अनुभवी हैं, सब कुछ जान लेते हैं। तो हम लोगों ने ये मिस कॉल करके वेबसाइट से, ईमेल से, फेसबुक से और ट्विटर से ये चारों ऑप्शन दिए हैं और 4-5 दिनों तक आम जनता से हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों के भी सुझाव आएँ और जो सुझाव आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये क्या है ये पूरा आपका मैनिफेस्टो जारी करने का? हम चाहते हैं कि रियलिस्टिक मैनिफेस्टो और आम जनता की कठिनाइयों को निराकरण करने हेतु हम लोग कृत संकल्पित हों। ये जो आएगा आम लोगों से जो राय आएगी, हाँ उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे सम्मिलित। किन किन जरियों से आप मंगा रहे हैं और इसका प्रचार कैसे कर रहे हैं आप? वही कहा ना, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि हम 4 तरह से मंगा रहे हैं। आम जनता से मंगा रहे हैं मिस कॉल के माध्यम से, कोई मिस कॉल करेगा उसका सुनेंगे, वेबसाइट से मांग रहे हैं, ईमेल से मांग रहे हैं, फेसबुक से मांग रहे हैं, ट्विटर से मांग रहे हैं।
ये कितने दिनों में आप इसको पूरा कर लेंगे और मैनिफेस्टो को? 500 दिन का समय हम दे रहे हैं आम जनता, इसके बाद हम पूरा। क्या ये जरूरी होगा कि जो आप इनवाइट करेंगे आम राय, वो मैनिफेस्टो में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसकी पूरी गारंटी है, डूएबल थिंग्स जो है। हाँ नहीं, जो आम जनता से संबंधित है, आज जो जिनसे जन कल्याण हो सकता है उन बातों को आपके एक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।